अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद साहिबा। मेरी आज की रेसिपी है स्क्रैम्बल्ड एग। आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अंडा बहुत सी किस्म का होता है। ऑमलेट होता है, हरी मिर्च वाला, काली मिर्च वाला, उसमें बहुत सी चीज़ें डलती हैं। फ्राइड एग होता है, उबला हुआ अंडा होता है, पराठे पे अंडा लगा के खाते हैं लोग, मीठे अंडे वाला टोस्ट खाते हैं। लेकिन ये सब खाते खाते हमारे जो बच्चे हैं, लाडले बच्चे, ये बोर हो जाते हैं। इन्हें चाहिए रोज़ नई से नई चीज़। तो जो आज की मेरी रेसिपी है वो स्क्रैम्बल्ड एग है। आपने जो बहुत कम सुना होगा, लेकिन वैसे ये बहुत टेस्टी और बहुत क्विक रेसिपी है। तो आज मैं आपको बताऊं, उसके लिए मुझे चाहिए एग्स, ऑयल, मिल्क। ये तीन मेन चीज़ें हैं और ये बहुत ज़बरदस्त और क्विक रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें थोड़ा सा ऑयल। वैसे मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ और बच्चों के लिए देसी घी इस्तेमाल होता है। और एग्स, ये हल्की आंच पे मैंने ऑयल जो है वो गरम होने रख दिया है। और दो अंडे लेंगे, उनको हम अच्छी तरह बीट करेंगे, इतनी अच्छी तरह कि ये इनकी बाकायदा एक झाग बननी चाहिए। थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड करेंगे, और आपका ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। इसमें आपने ये अंडे डाले और साथ ही ये थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया, और बड़ी तेज़ी से आपने चम्मच चलाना है। अच्छा, ध्यान रहे कि ये जो स्क्रैम्बल्ड एग होते हैं ये ब्राउन नहीं होते। थोड़ा सा और साथ साथ थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। अच्छा, वैसे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर भी हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही झटपट रेसिपी है, सुबह जब बच्चों को स्कूल से देर हो रही हो तो ये एक मिनट में बन जाती है। और ये हमारा स्क्रैम्बल्ड एग रेडी है, और अब इसको सर्व भी तो करना है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और ये ऑनियन रिंग्स हैं, इनको ब्राउन करेंगे, ये थोड़ी तेज़ आंच पे होंगे, और साथ ही टमाटर, इनको थोड़ा सा हम कुक करेंगे, लेकिन इनको थोड़ा ब्राउन करना है। स्क्रैम्बल्ड एग को ब्राउन नहीं करना, इनको ब्राउन करना है। थोड़ा सा इनको ऑयल में सौते कर लें, और साथ ही यहाँ मेरा बेक्ड बीन का टिन है, ये बेक्ड बीन्स हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं, बड़े मुझे मज़े के लगते हैं, और मेरे भाई को ये बहुत पसंद है, हमज़ा को। वो जब भी मैं ये खाती हूँ, मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ, जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे मेरा भाई याद आ जाता है। वो बहुत शौक से खाता है और हर स्टोर से वैसे ईजीली मिल जाते हैं। हमारे ये टमाटर और ऑनियन रिंग्स ब्राउन हो गए हैं। इसमें हम कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा इसमें काली मिर्च ऐड कर लें और थोड़ा सा सॉल्ट। अच्छा, वैसे मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि बच्चों को जो चीज़ें हैं ना, थोड़ी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि उन्हें लगे कि वो किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं। बच्चों को अगर आप ऐसे ही दे देंगे तो वो उन्हें इतनी अट्रैक्शन फील नहीं होगी। तो
ये हमारी एक तरह का थोड़ा सालसा बन गया है। जी तो ये आपका स्क्रैम्बल्ड एग रेडी है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत मज़े की डिश है। सुबह जो है बड़ा फ्रेश हो जाता है इंसान ये खाकर, और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और जो बच्चे बहुत खाने पीने के मामले में बहुत ही मूडी हैं, बहुत ही फसी हैं, तो उनके लिए ये डिश बहुत ही अच्छी रहेगी और वो बच्चे बहुत मज़े से खाएँगे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें स्क्रैम्बल्ड एग। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइफस्टाइल विद साहिबा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, लाइफस्टाइल विद साहिबा में आप सबको खुशामदीद। अच्छा, रमज़ान में जो आपके मैसेजेस आए, आपने मेरी जो रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की, वो आप लोगों को बहुत पसंद आई, तो मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना बाकायदा सेट लगवाकर एक प्रॉपर प्रोग्राम किया जाए जिसमें मैं आपके साथ मज़े मज़े की रेसिपीज शेयर करूं। तो ये देखिए, इंडोर सेट तो लगता ही है, इंडोर किचन तो होता है। मुझे ये आइडिया आया, बल्कि ये आइडिया रैम्बो साहब को आया, मुझे नहीं आया। तो मैंने आउटडोर सेट, खूबसूरत खुली फ़िज़ा में, और यहाँ दरख्त भी हैं, लीमू का दरख्त भी है यहाँ पर, और ये बहुत मज़े का एटमॉस्फेयर है क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरी जो कुछ बहनें दूर गांव देहातों में रहती हैं, उन्हें भी चाहिए ना अपनी केयर करें, और उनके लिए मैं स्पेशली ये प्रोग्राम लेकर आई हूँ क्योंकि उनको भी शौक़ होता है कि वो पतली नज़र आएँ, खूबसूरत नज़र आएँ और हेल्दी नज़र आएँ। मेरी बहुत सारी डॉक्टर्स दोस्त हैं जिनसे मैं अक्सर डाइट के बारे में पूछती रहती हूं, और इस तरह की चीज़ें के कोलेस्ट्रॉल किससे होता है, शुगर किससे होती है, किन चीज़ों से कंट्रोल होती है, किन चीज़ों से आपका फ़ैट लॉस होता है, बहुत सारी चीज़ें मैं डिफरेंट डॉक्टर से पूछती रहती हूं क्योंकि सारे फ्रेंड्स हैं और बहुत अच्छा मशवरा देते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं। तो मैं इस तरह की रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कीजिए लाइफस्टाइल विद साहिबा और पसंद करते रहे इसी तरह मेरी वीडियोस। हर दफ़ा की तरह आज की जो मेरी रेसिपी है वो भी बहुत हेल्दी है, कीटो डाइट। कीटो डाइट आजकल बहुत फेमस है, और जिनकी कीटो डाइट वर्क नहीं कर रही उनकी वर्किंग के लिए आज जो मेरे पास रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कीटो डाइट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, आप लोग ब्रेकफास्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, पी सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए क्रीम, कॉफ़ी, कोकोनट ऑयल और हॉट वाटर। चलें तो स्टार्ट करें। एक कप हॉट वाटर, उसमें हम यूज़ करेंगे एक टीस्पून कोकोनट ऑयल, एक टीस्पून कॉफ़ी, और एक टीस्पून क्रीम। आप सबको पता ही है कि कीटो डाइट में क्रीम और कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल और बटर, ये चीज़ें यूज़ होती हैं, और कीटो डाइट में किसी किस्म की चीटिंग नहीं होती, वरना ये वर्क नहीं करती। इसको अच्छी तरह शेक कर लेना है, और गरम होनी चाहिए। और इसके ऊपर मैं थोड़ा स्प्रिंकल करूंगी कॉफ़ी। जी तो ये जो हमारी फेमस कीटो डाइट है,
इसमें जब तक ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि कीटो डाइट करना बहुत मुश्किल है, आप लोग तंग आ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो ये जो इसको फैट बॉम्ब भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा फैट है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि कीटो डाइट करने के अलावा ये कोई नहीं पी सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारा फैट होता है। ये सिर्फ जो ख्वातीन या जो मर्द हजरात कीटो डाइट कर रहे हैं, सिर्फ वही ये पियेंगे। इससे उनकी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है कीटो डाइट में। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो देखते रहिए लाइफस्टाइल विद साहिबा, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे मैसेज कीजिए। तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।